हर जगह का बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड दिखाने की कोशिश करो। अपनी किस्मत अजमाना है तो लॉटरी भी ले सकते हैं। कटला फिश जिसको बंगला में कतल फिश बोलते हैं। इस COVID-19 में टैबलेट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ठहरने के लिए और खासकर खाने पीने के लिए। और मेरा पीछे देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड में होटल जुमा और ठीक मेरे सामने है एयर व्यू मोड़। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि। ठीक के बगल में है चर्च रोड। चर्च रोड से वॉक करते हुए जाएंगे विधान मार्केट। वॉकिंग डिस्टेंस है, वैसे आप रिक्शा भी कर सकते हैं पर चलना भी जरूरी है। यार बंगला करके कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं, छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट है लेकिन बट वहाँ की जो कहते हैं बंगाली स्टाइल का फिश कड़ी बहुत फेमस है, फिश कड़ी। ये है चर्च रोड का मार्केट। यहाँ पे फुटवेयर के होलसेल ऐसा रिटेल में भी देते होंगे। तो फरमाइश रहता है कि भैया आप जिस शहर में जाते हो ट्रेन से तो कहाँ खाते हो, कहाँ रहते हो, वहाँ का तो दिखाया करो। बट ये चर्च रोड खासकर लगता है मुझे फुटवेयर मार्केट के लिए फेमस होगा। और खासकर आप सिलीगुड़ी के भाई लोग अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा चर्च रोड और किस चीज़ के लिए फेमस है। ये चाहत रहती है कि मैं हर जगह का बेस्ट ऑफ बेस्ट फूड दिखाने की कोशिश करूं। अधिकतर दुकानें खुल चुकी हैं सिलीगुड़ी में लेकिन हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, फेस मास्क लगा के घूम रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। अब मुझे जाना है वो सामने वाले रोड में, उसी में है वो सोनार बंगला रेस्टोरेंट। मैं भी हूँ सेवक रोड के पास। बाकी आपको स्ट्रीट पे इस तरह कपड़े भी मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिल जाएंगे। अपनी किस्मत अजमाना है तो लॉटरी भी ले सकते हैं। बट सिलीगुड़ी में देखा अभी भी यहाँ लॉटरियाँ बिक नहीं हैं तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। कहीं ऐसा नहीं बम, भगवान करे आपको कोई बम्पर पुरस्कार मिल जाए लेकिन मुझे नहीं लगता लोगों को मिलता होगा इस लॉटरी से। बेचारे घर बर्बाद कर लेते हैं इस लॉटरी से। बाकी आप देख सकते हो इस तरह का मार्केट है और यहाँ पे भी चहल पहल। और खासकर कुछ दिन बाद दिवाली आने वाला है, दिवाली के देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लाइट्स LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी अब मैं आ गया हूँ जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था वो इसी रोड में, होटल सोनार बंगला बोल सकते हैं। बाकी अगर बगल में इस तरह का मार्केट है, बगल में कल्पना होटल है, सुना है बड़े अच्छी मछली खिलाते हैं खासकर लोकल यहाँ का बंगाली स्टाइल में। ये आ चुका हूँ मैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे AC चल रहा है। देखते हैं इनका कैसा है जायका, खाएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी डिजिटली। नॉर्मल वेज थाली लेते हैं 70 रुपीस, उसमें आपको राइस मिलेगा, दाल मिलेगा, भाजी मिलेगा, सब्जी मिलेगा क्या भाई? और जैसे यहाँ पे ये हैं यहाँ के स्टाफ हैं और उसमें हम जो भी फिश का ऑर्डर ले सकते हैं ना दे सकते हैं। या कटल कलिया क्या कतल कलिया फिश है, स्पेशल रोहू है, हिलसा है, प्रॉन मलदा बवाल आयर। फिश की बहुत सारी वेराइटीज है, बोरोली फिश आपको हर फिश मिल जाएगा यहाँ पे, हर फिश मिल जाएगा। कतल कलिया फिश ट्राई करेंगे, 120 है और 70 रुपीज बेस्ट का है ना। इस COVID-19 पैंडमिक में टूरिस्ट लोग बहुत कम आ रहे हैं अभी सिलीगुड़ी में, हम जैसे पागल तो निकल जा रहे हैं वो अलग बात है लेकिन और सिलीगुड़ी के लोकल्स जो हैं यहाँ के रहने वाले बसिंदे वो भी प्रीफर कर रहे हैं घर का खाना, बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए सोच सकते ये खाली दिख रहा होगा, अदरवाइज यहाँ का मैंने अगल बगल से पता लगाया बहुत ज़बरदस्त उनका। अगर आपको बंगाली फिश अगर बंगाली स्टाइल का फिश करी खाना है यहाँ आए आपको हर वेराइटी मिल जाएगा जैसे मैंने आपको मेनू में दिखाया। फाइनली आ चुका है हमारा खाना, ये आपका बासमती राइस दिया हुआ है और राइस की क्वांटिटी अच्छी खासी है। बाकी ये आप नॉर्मल दाल है येलो दाल और आलू गोभी की सब्जी। और ये आपको बंगाल में झारखंड में भी कहीं के मिलेगा, ये आलू भाजी मतलब भुजिया बोलते हैं उसको, ड्राई करके फ्राई करते हैं तेल में। कतला फिश जिसको बंगला में कतल फिश बोलते हैं।
और फिश का भाई ये साइज है और इस फिश के ऊपर ये देख रहे हैं एक मिर्चा दिया हुआ है। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है, अब भूख तो मेरे को पहले से लगी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं और बताऊंगा कैसा टेस्ट है इसका। भाई जो मज़ा हाथों में खाने में, मुझे भाई चम्मच से खाने में नहीं आता है। तो पहले हम लोग राइस और एक चीज़ है, बहुत रेस्टोरेंट की जैसी साफ सफाई है, खाना भी बहुत हाइजीनिक दिख रहा है। येलो दाल जो है आपका जैसा घर में दाल बनता है वैसा है, अच्छा है। थोड़ा सा ये आलू गोभी लेते हैं। ये जो मैंने अभी दाल खाया, आलू गोभी की सब्जी है, अब मुझे पता चल रहा है कि ये क्यों फेमस है। तो ये खाना आपको अपने घर के खाने का एहसास दिलाएगा, जबरदस्त है। और खासकर टूरिस्ट लोग और मेरे जैसे ट्रैवलर जो बहुत 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 दिन तक घर में नहीं जाते, तो घर का खाना तरसते हैं, तो उनके लिए ये खाना अच्छा है। सुनार बंगला ये आपको घरेलू टेस्ट यहाँ मिलेगा, घर का खाने का जैसा टेस्ट मिलेगा, प्रॉमिस। और ये है बंगाल का फेमस कतला फिश। और ये लिया है फिश का छोटा सा टुकड़ा, इसमें कांटे आप देख रहे हैं, कांटे अलग टाइप के कांटे हैं, कांटा ज़्यादा नहीं रहता है, और जो भी रहता है एक सिंगल पीस, दो तीन पीस कांटे होंगे लगता है। अभी तो मैंने निकाला है इसको, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसमें हल्का ये ग्रेवी डालते हैं। आहा, खुशबू ज़बरदस्त है। माइंड ब्लोइंग भाई, ऑसम, जबरदस्त। अब मुझे पता चला कि लोग सुनार बंगला में क्यों आते हैं, खासकर इस कतला मछली के लिए। नॉट ओनली कतला, इनके पास मछली की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे मैंने दिखाया शुरू में आपको। इसमें कांटे नाम मात्र के रहते हैं, बहुत नाम मात्र के, समझिए नाक के बराबर रहते हैं। जैसे ये आपने कांटा देखा, ऐसे ऐसे आपको मुझे अभी तक दो ही कांटे मिले हैं इस मछली में। सो यम्मी। अब प्याज लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब। अगर आप सिलीगुड़ी में हो तो विधान मार्केट के पास किससे पूछोगे, सोनार बंगला, मुझे मछली खाना है, फेमस, यहाँ कौन सा दुकान है फेमस मछली का, कौन खिलाता है। बहुत सॉफ्ट है, होटल सोनार बंगला सर ऑनर है, और विधान मार्केट बोलिए, आप देख सकते हैं इस तरह का मार्केट है यहाँ पे। आइए, ज़बरदस्त मछली अगर आपको खाना है बंगाली स्टाइल में तो यहाँ जरूर आए, मुझे तो बहुत पसंद है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। और ये है आप, बाकी मैं हूँ आ चुका हूँ एयर व्यू मोड़ के पास, NJP
और ये जो स्टेट रोड आप देख रहे हैं ये चला जाता है सिलीगुड़ी जंक्शन की ओर। चलिए होप आपको कतला फिश अच्छा लगा होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।